की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने दी दबिश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे अधिकारियों ने नेहरू नगर इस निवासी दीपक सावलानी के ठिकानों पर दी दबिश। पिछले एक साल से अपना नाम बदलकर घूम रहा था दीपक सावलानी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दीपक सावलानी ने नाम बदलकर बनाया था पासपोर्ट, गया था दुबई। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने दी दबिश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अधिकारियों ने नेहरू नगर इस निवासी दीपक सावलानी के ठिकानों पर दबिश दी। पिछले एक साल से अपना नाम बदलकर घूम रहा था दीपक सावलानी। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। दीपक सावलानी ने नाम बदलकर बनाया था पासपोर्ट, गया था दुबई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अधिकारियों ने नेहरू नगर इस निवासी दीपक सावलानी के ठिकानों पर दबिश दी। पिछले एक साल से अपना नाम बदलकर घूम रहा था दीपक सावलानी। दीपक सावलानी ने नाम बदलकर बनाया था पासपोर्ट, गया था दुबई। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है, वहीं दीपक सावलानी के ठिकानों पर दबिश दी गई है जो कि नाम बदल कर रह रहा था। क्या है पूरा मामला, जानकारी साझा कीजिए। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ईडी की टीम हुई है, और वही बता दें कि नेहरू नगर जो है जो निवासी सावलानी के ठिकान जो है दबिश दी गई है। पिछले एक साल से जो नाम बदल कर दीपक सावलानी नाम सुनाया और गुप्त रूप से जो है नाम भी चीज किया गया। नहीं बताया जा रहा है कि उनके और इस तरह से जो पिछले कुछ फाइलों से गई। प्रियांशु कश्यप जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।